गुरुवार को पैलानी में भाजपा की विशाल चुनावी जनसभा आयोजित हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर महोबा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह के समर्थन में आयोजित इस विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में लोकसभा क्षेत्र के कोने कोने से लोग जनसभा में मौजूद रहे। इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री रामकेश निषाद जी, लोकप्रिय सांसद हमीरपुर महोबा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी अपना दल सुहेलदेव राजभर पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, भारतीय जनता पार्टी बांदा के अध्यक्ष श्री संजय सिंह जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री बाबूराम निषाद जी, माननीय विधायक हमीरपुर श्री मनोज प्रजापति जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बांदा श्री सुनील पटेल जी, जिला महामंत्री अखिलेश सिंह दीक्षित जी, विधानसभा के प्रभारी देवेंद्र शुक्ला जी, राकेश चौहान जी, भरत सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख स्वर्ण सिंह सोनू जी, ब्लॉक प्रमुख दीप शिखा सिंह जी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती वंदना गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, और इतनी भीषण गर्मी में मात्र 12 घंटे की सूचना के बाद इतनी भारी संख्या में उपस्थित मेरे द्वारा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए उपस्थित बहन और भाइयों, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, ये पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र देश के इतिहास को लिखने वाला क्षेत्र है। याद करिए, ये विधानसभा प्रदेश को मुख्यमंत्री भी दी है और देश को प्रधानमंत्री भी दी है, और इसीलिए जब मुझे यहाँ पर कार्यक्रम करने के लिए श्री रामकेश निषाद जी ने और श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी ने कहा, तो मैं अपना कार्यक्रम रोक नहीं पाया। मैंने कहा भी बीच में मेरे कार्यक्रम और जगह लगे, लेकिन बीच का एक रास्ता निकाल करके मैं यहाँ आऊंगा। अभी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद कोसाम्बी से यहाँ आया हूँ, और यहाँ के बाद अभी फतेहपुर होते हुए फिर अन्य कार्यक्रमों में निकल जाऊंगा। और इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री रामकेश निषाद जी, लोकप्रिय सांसद हमीरपुर महोबा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी अपना दल सुहेलदेव राजभर पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, भारतीय जनता पार्टी बांदा के अध्यक्ष श्री संजय सिंह जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री बाबूराम निषाद जी, माननीय विधायक हमीरपुर श्री मनोज प्रजापति जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बांदा श्री सुनील पटेल जी, जिला महामंत्री अखिलेश सिंह दीक्षित जी, विधानसभा के प्रभारी देवेंद्र शुक्ला जी, राकेश चौहान जी, भरत सिंह जी,
ब्लॉक प्रमुख स्वर्ण सिंह सोनू जी, ब्लॉक प्रमुख दीप शिखा सिंह जी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती वंदना गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी गण, और इतनी भीषण गर्मी में मात्र 12 घंटे की सूचना के बाद इतनी भारी संख्या में उपस्थित मेरे द्वारा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए उपस्थित बहन और भाइयों, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र देश के इतिहास को लिखने वाला क्षेत्र है। याद करिए, ये विधानसभा प्रदेश को मुख्यमंत्री भी दी है और देश को प्रधानमंत्री भी दी है, और इसीलिए जब मुझे यहाँ पर कार्यक्रम करने के लिए श्री रामकेश निषाद जी ने और श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी ने कहा, तो मैं अपना कार्यक्रम रोक नहीं पाया। मैंने कहा भी बीच में मेरे कार्यक्रम और जगह लगे, लेकिन बीच का एक रास्ता निकाल करके मैं यहाँ आऊंगा। अभी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद कोसाम्बी से यहाँ आया हूँ, और यहाँ के बाद अभी फतेहपुर होते हुए फिर अन्य कार्यक्रमों में निकल जाऊंगा। तो मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वो अपने बात को मुझ मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी, ये जेल जाने का आपका अनुभव दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया, लेकिन आपने अन्ना हजारे जी के सपने को पानी फेरने का काम जरूर कर दिया। अन्ना हजारे जी ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, जिस अराजकता और जिस अविश्वास के खिलाफ आंदोलन किया था, उसी कांग्रेस को आपने गले का हार बना करके आज जो पाप कर रहे हैं, अन्ना हजारे कभी आपको माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं माफ कर सकते हैं। और दूसरा कार्य, आप सत्ता में पहुंचे, भ्रष्टाचारियों को अपने विकट जमावड़ा कर दिए, अन्ना हजारे की आत्मा दुखित होती होगी कि मेरे आंदोलन के ऊपर किस प्रकार की नकारात्मक राजनीति करते हैं, और दिल्ली वासी इस बात के लिए परेशान है कि कम से कम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे, उनकी खांसी बंद थी, अब फिर बाहर आ गए, अब दिल्ली वासियों को फिर खांसने के लिए मजबूर कर देंगे। भाइयों, ये प्रवृत्ति है, ये लोग क्या नारा लगाते हैं और क्या आचरण करते हैं, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बिहार में आरजेडी हो, ये सभी के सभी एक ही फैले के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग जब सत्ता में आते हैं तो आम आदमी का खून चूसते हैं, व्यापारियों का उत्पीड़न करते हैं, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, बेटी और व्यापारी के लिए खतरा पैदा करते हैं। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमने बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, ये वर्तमान पीढ़ी का और आप सबका सौभाग्य है, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर अपनी धमक मचा रहा है, एक ऐसा भारत जो सुरक्षित है, एक ऐसा भारत जो विकास के नित्य नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, एक ऐसा भारत जिस भारत में गरीबों के कल्याण की अनेक योजनाएं हैं, 80 करोड़ गरीब राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध हो रही है, 50 करोड़ गरीबों के जनरल अकाउंट खुल गए हैं, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि लाभ मिल रही है,
12 करोड़ किसान, 12 करोड़ नागरिकों के घर में, जनता के जन घर में एक एक शौचालय गैस कॉरिडोर झांसी से लेकर चित्रकूट तक ऐसा बनाएंगे कि जब हमारा बुंदेलखंड का नौजवान सीमा की रक्षा करते हुए जो तोप अपने दुश्मन पर तागेगा उसमें लिखा होगा मेड इन झांसी, मेड इन चित्रकूट और मेड इन बांदा। यहां का प्रोडक्ट देश की सीमा की रक्षा भी करेगा, दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम भी करेगा। और बहनों भाइयों, आपका यहां का नौजवान नौकरी के लिए पलायन करता था, इधर उधर भटकता था, और मैं आपको वायदा करने के लिए आया हूं अगले 5 साल के अंदर देखना दुनिया आपसे नौकरी मांगने के लिए आएगी। झांसी से लेकर के चित्रकूट के बीच महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, इन सभी जनपदों को जोड़ते हुए हम लोग नोएडा और ग्रेटर नोएडा के भी अच्छी विकसित एक औद्योगिक सिटी यहां बसाने जा रहे हैं। यहां पर हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। अब यहां माफिया नहीं आता है, याद करिए। अरे हम तो धार्मिक आदमी जो ठहरे भगवान के भक्त हैं, तो रामलला को विराजमान भी किए हैं, तो रामलला का दूसरा काम था, तो हमने कहा दूसरा काम क्या होगा, हमने कहा दूसरा काम होगा माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य होगा। हो गया ना, ये देखो बगल में ये प्रयागराज में और कहां का बड़े बड़े माफिया, चित्रकूट में बड़े बड़े डकैत, क्या आतंक बचाए रहते थे, लोगों का जीना आराम करते थे, फिरौती वसूली करते थे, रंगदारी मांगते थे, और अब तो कुछ माफिया मिट्टी में मिल गए, कुछ के गले में पत्थी लटक गई। वो कहते साहब जेल भेज दो, बस हम कहते हैं जेल नहीं भाई, तुम्हारे लिए तो जहन्नुम का रास्ता होना चाहिए। जनता का भूत चूसने वाले अब जेल भी क्यों जाएंगे, सीधे सीधे जहन्नुम के रास्ते में आगे बढ़िए, अब कुछ नहीं होने वाला, इनके लिए कोई जगह नहीं होगी। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं बहन और भाइयों, जिन्होंने बुंदेलखंड को जल के लिए तरसाया, जिन्होंने बुंदेलखंड को विकास के लिए तरसाया, जिन्होंने बुंदेलखंड की बहन और बेटियों की सुरक्षा पे सेंध लगाने का काम किया, जिन लोगों ने बुंदेलखंड के नौजवानों की नौकरी पे डकैती डाली, जिन लोगों ने आके संसाधनों को लूटा खसोटा, उन लोगों को एक एक वोट के लिए तरसा दीजिए, तरसा दीजिए। चुनाव से ज्यादा अच्छा वोट नहीं होगा, उनकी जमानतें जब्त करा दो, बस यही सबसे अच्छा अवसर है, और यही कहने के लिए मैं आया हूं। और अब तो बहनों भाइयों, में आज सुबह में समाजवादी पार्टी और दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी है, उनके अध्यक्षों की प्रेस वार्ता कर रहा था। अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हों या आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अब इनको जनता सुनना नहीं चाहती है, तो ये प्रेस वार्ता करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है।